पार्टी का स्टैंड जो है ना वो बिल्कुल माकूल है सर। इधर हमारे सांसद जान नहीं पा रहे हैं, नेता पद में जान नहीं पा रहे हैं, पोलिटिकल पार्टी के लोग जान नहीं पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर कहाँ है देश के अंदर, ये क्वेश्चन मार्क है। पूरा मुल्क घबराया हुआ है, चाहे विदेशी सांसद आओ, चाहे उनको ऑफिशियल बुलाओ या अनऑफिशियल बुलाओ, ये नाटक चलने वाले नहीं है। क्योंकि आज यूएन के जो ह्यूमन कमीशन जो है उनका, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी इनकी। चाहे कितने ही बार के आके मैनेज कर बुलवा लो, उनसे अप्रिशिएट करवा दो, काम चलने वाला नहीं है। पूरी दुनिया के मुल्क आज सुन रहे हैं कि यूएन के बिहाफ पर ह्यूमन राइट कमीशन उनका वो क्या कह रहा है कश्मीर के बारे में, उसके बारे में बात बचती नहीं है। ये बात है, कहने कोई बचता ही नहीं है। पूरे मुल्क के लोगों को एक होना पड़ेगा, डेमोक्रेसी खतरे में है, सब लोग दुखी हैं। और मेरा मानना है कि ये सही समय है लोगों को आगे आके अपने पास खुल के कहने का। जुडिशी दबाव में है, CBI दबाव में है, ED दबाव में है, इनकम टैक्स दबाव में है, प्राइवेटली सब लोग कह रहे हैं कि पता नहीं हमारे ऊपर कितना दबाव है, PMO में कुछ सोच नहीं सकते, स्थिति बनी हुई है। और जिस प्रकार से दबाव डाल करके उनसे छापे डलवाए जा रहे हैं, उससे वो लोग खुद दुखी हो गए हैं कि कब तक ये होता रहेगा, हमारे ऊपर दबाव कब तक चलता रहेगा। इन स्थिति हम लोग सोचते हैं, इसलिए कश्मीर के अंदर आप 2-2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने में आप लोगों को अगर इंटरनेट, आपके सारे मोबाइल फ़ोन दुनिया के किसी मुल्क में हुआ है क्या? दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ जो देश के अंदर हो रहा है। तो बड़े गंभीर हालात हैं। अब अगर जो चुनाव के परिणाम आए हैं हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, सारे साधन समाप्त कर दिए गए, कांग्रेस के भी और NCP के भी और BSP हो चाहे सपा हो चाहे CPM हो, CPI हो, एक पार्टी शासन कैसे करें देश के अंदर? एक पार्टी शासन करने की तरफ ये मुल्क में ये NDA गवर्नमेंट जा रही है। BJP के साथ में जो पार्टी जुड़ी हुई है उनको समय रहते समझ लेना चाहिए कि जिनके साथ आप जिनकी गोद में बैठे हुए हो आप लोग, वो लोग डेमोक्रेसी विश्वास नहीं करते। और जिस रूप में वो आगे बढ़ाएंगे देश को, जिस रूप बढ़ा रहे हैं, ऐसा माहौल कभी किसी ने महसूस ही नहीं किया था। एक पार्टी शासन में चाइना की तरह, सामने वाली पार्टी भी फंडिंग वही करे, सत्ता पक्ष फंडिंग करे और डेमोक्रेसी दिखे कि डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, वन पार्टी रूल कैसे होगी, उस तरफ ये मुल्क बढ़ रहा है। अगर इस प्रदेश और देश की जनता ने समय रहते हुए कदम नहीं उठाए तो पता नहीं आने वाले वक्त में इस मुल्क का क्या होगा। आप शिवसेना का स्टैंड को कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र के अंदर स्थिति जो बनी हुई है, दोनों मिलकर चुनाव लड़े लेकिन सरकार का स्वरूप अभी तक तय नहीं हो पा रहा है, 50-50 का फॉर्मूले पे बहस चल रही है। ये मीडिया खाली इनका बचाव करता रहता है, वरना ना तो हरियाणा में जीते लोग ना जीते हैं महाराष्ट्र के, क्योंकि वोट परसेंटेज कम हुआ है, सीटें कम हुई हैं, फिर भी मीडिया की हिम्मत नहीं खुल के बोल सकते। जिस प्रकार के जिस मुल्क में मीडिया खुद ही दबाव में हो, उस मुल्क में डेमोक्रेसी कैसे बचेगी, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सर आर्थिक स्थिति को लेके जो जनता ने जो सबक सिखाए हैं, इनको जनता इतनी समझदार है, आम जनता का मतदाताओं का रॉबस्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, वो भाप लेती है कि ये देश की दिशा में जा रहा है। उसके बाद में क्या राजनीतिक पार्टियों की स्थिति कमजोर है, आर्थिक रूप से कैंपेन कम हुआ ज़्यादा हुआ, उसी से ध्यान देता है। और आप देखिएगा पब्लिक ने, आम मतदाताओं ने, दोनों राज्यों ने इनको सबक सिखाया। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का ये संकल्प है, स्थिति कैसी भी आए, इस डेमोक्रेसी रक्षा के लिए हम लोग सब मिलकर सोनिया गांधी के नेतृत्व में मैदान में उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, देश को बचाएंगे,
इनके गाने देर को बर्बाद नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। झारखंड और दिल्ली में भी कांग्रेस उम्मीद रखती है कि इस तरह के रिजल्ट जो अभी देखने को मिले। उम्मीदों में तो दुनिया टिकी हुई है, उम्मीद की बात तो छोड़िए, हमारा जो फर्ज है वो हम निभाएंगे। क्या सर आर्थिक स्थिति को लेके जो हालिया स्थिति हुई है, आप लोग संसद को उतरने वाले हैं, किस तरीके से कार्यक्रम को रखेंगे आप लोग? प्रोग्राम बन रहा है, पार्टी बना रही है, प्रोग्राम आएगा, आपके सामने आएगा। और आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी देश की कि आने वाले वक्त में कैसे संभलेगी, ये एक प्रकार से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। बहुत हालत खराब है, नौकरी लगने की नौकरी जा रही लोगों की, महंगाई बढ़ती जा रही है, और कहाँ कहाँ ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, नोटबंदी, GST, तो मीडिया के कारण से, फिर मैं कहूँगा मीडिया के कारण से इन्होंने अपना बचाव कर लिया, मीडिया को कवच के रूप में इन्होंने इस्तेमाल किया है, और मीडिया कवच के रूप में इस्तेमाल हुआ है।